जिसमें बलूचिस्तान के सीएम असर फराज बुगटी साहब एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जुनैरा, ये कितनी इम्पैक्टफुल लगी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्योंकि उनकी बात सुनते हुए मुझे याद आया कि एक तज्जिया था जिसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया था कि जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव हैं वो भी शायद बहुत सिक्योरिटी ओरिएंटेड हो गए बलूचिस्तान में, इसलिए मामला ठीक नहीं हो रहे। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर? बतूल, एक तो देखिए ट्रेजेडी तो बहुत बड़ी है और वी ऑल एग्री ऑन दिस के देर आर नो गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। ये टेररिस्ट हैं और इनके साथ वैसे ही निपटा जाना चाहिए जिस तरह निपट रही है इस वक्त हमारी आर्मी। बट उसके अलावा जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जिस तरह वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, जिस तरह वो क्वेश्चंस को टैकल कर रहे थे, वो आई एम सॉरी दैट वाज नॉट वेरी कन्विंसिंग। एक तो पहले ही बलूचिस्तान का मामला, प्रॉब्लम ही ये है कि उसमें इंगेजमेंट नहीं है, ना वहाँ के लोगों के साथ इंगेजमेंट है गवर्नमेंट की, ना उस गवर्नमेंट की सेंटर के साथ इंगेजमेंट है, और ना बलूचिस्तान के मसलों में पार्लियामेंट उस तरह इन्वॉल्व होती है जिस तरह बाकी मामलात में होती है। सो एक माने इस चीज़ को कि माजी में ग्रेव मिस्टेक्स हुई हैं और ये एग्रेसिव पॉस्चरिंग हमेशा नहीं चलती, तो लोगों के साथ कम अज़ कम मीडिया के साथ कुछ सवाल जवाब में आप उनको डांट नहीं सकते, आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप उनको ये ना कहें वो ना कहें। लोगों के व्यूज़ हैं, you would have to listen and address it, because terrorist ke sath to aap deal kar rahe hain kinetically, wo aap karte rahenge, wo wahi tarika hai, lekin jo wahan pe logon mein unrest hai ya pakistan mein jo unrest hai, because balochistan is part of pakistan, to aaj hum log jo pareshan baithe hain hamare minds mein jo questions aayenge unko address karna padega। जी, वेरी वेल सेड जुनैरा। मोहम्मद आदिल साहब, ये सिक्योरिटाइजेशन की बात हो रही है, सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि देखेंगे कि 4G का इस्तेमाल भी किस तरह से हो रहा है, क्या इसे महदूद करने की ज़रूरत है, और जैसे जुनैरा ने कहा कि ही डजंट सीम टू बी वेरी कन्विंसिंग एट ऑल, क्या आप भी ये सोचते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। सरफराज बुगटी साहब जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बात कर रहे थे, वो पस पर्दा जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनका जो बयानियाँ हैं वो कुछ और होता है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। ये सिर्फ एक स्टेट है, तो वो असल इश्यूज़ जो है, जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप वहाँ की नौजवान नस्ल को उनका हक नहीं देंगे, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी इसका। और 4G बंद करने से जो है वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको पता है कि वहाँ पर सेटेलाइट फ़ोन, पहले जब दहशतगर्दी के वाक़ात होते थे उस पर सेटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल होता था, या इस तरह के और बहुत सारे टूल्स हैं जो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक सरफराज बुगटी साहब बड़े अरसे से ये मुख्तलिफ फोरम्स पर बात कर चुके हैं कि वहाँ पर 4G बंद होनी चाहिए। हमने देखा कि KPK के बहुत सारे जो फाटा के इलाके थे वहाँ पर 4G का इशूज़ था, तो क्या वहाँ पर दहशतगर्दी कब हो गई थी इस सारे मामला से? तो ये बजाय रियासत को इसका एक सॉलिड सोल्यूशन ढूँढने के, वो जो आवाम के बुनियादी हकूक़ हैं उसको सल्ब नहीं करना चाहिए, उनको बातचीत करनी चाहिए। वो बातचीत करने का कहते तो है, लेकिन अभी तक हमें कोई सीरियस एफर्ट जो है वो किसी भी सतह पर जो है वो नज़र नहीं आती। फौजी ऑपरेशन जो है वो मसाइल का हल नहीं होता, और वो जो इस तरह के हालात हैं उसमें ज़रूरी है कि लोगों को एंगेज करें, उनके बात सुने, उनको समझें, इल्ज़ाम तराशियों से ग्रेज किया जाए दोनों तरफ से। प्रोपेगेंडा हर उसमें होता है, वो आप पूरी दुनिया में जो है वो प्रोपेगेंडा टूल्स इस्तेमाल होते हैं। आपका जवाब आ गया।